हेलो स्टूडेंट्स। तो यार आज अपन देखेंगे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क्या सर अपडेट है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड रहती है इस कोर्स के लिए। और ये लोगों ने जो है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन भी कर लिया है, बिकॉज काफ़ी पुराना कॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा पुराना कॉलेज है, ठीक है। और प्लेसमेंट रेशियो भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का, स्टूडेंट फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी देखते हैं गाइस क्या सारा सीन है यहाँ का, तो एडमिशन के बारे में जानेंगे अपन। तो अपन पहले एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे। तो यार यहाँ पे लिखा गया है कि जो अप्लीकेशन है वो रेगुलर बेस एडमिशन सीयूटी बेस यूजी प्रोग्राम स्टार्ट है, ठीक है। तो एडमिशन पोर्टल अभी भी अवेलेबल दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे उर्दू में कुछ कुछ लिखा है। तो यार मैंने देख सकते हो फॉर्म पे भर दिया, क्लिक कर दिया इस पे। अभी आगे क्या सारा सीन है, जैसा कि मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। एक मैसेज भी आ गया मेरे को, तो मैं इसको जो है कॉपी कर देता हूँ। लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाल दिया। पासवर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यार मेरे को मैसेज में आया है पासवर्ड। ओके लॉगिन। ठीक है, तो यार ये सारा प्रोसेस है, जैसा कि मैं फॉर्म फिल कर पा रहा हूँ यहाँ पे। आप सारे के सारे लोग जो है इसको ज़रूर से फिल कर दें। आपके पास अगर ये कोटा है या PMSS है, या फिर आप अगर कोई NRI वगैरह है तो इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो। और जिन बच्चों के यार काफ़ी लो मार्क्स हैं वो मेरा CUET का गाइडेंस प्लान में एनरोल कर सकता है, या फिर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, एक CUET UG का व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस गाइस। एंड एडमिशन अभी चलने वाला है, तो जस्ट ट्राई करो कि काफ़ी अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सके, ठीक है।